अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लाइट एंड टेम्परेचर। इन दिस वी विल स्टडी अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइट एंड व्हाट आर इको फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर। व्हाट आर इको फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज? इको फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज ऐसे रिस्पॉन्सेज होते हैं जो कि शो करते हैं कि प्लांट की फिजिकल जो उसकी प्रोसेसेस हैं उनका क्या रिलेशन होता है एनवायरनमेंट के साथ, किस तरह से लाइट और टेम्परेचर चेंज होने की वजह से प्लांट्स या फिर ऑर्गेनिजम्स अपना बिहेवियर चेंज करते हैं, क्या अडेप्टेशंस करते हैं, किस तरह से एनवायरनमेंट के अंदर एडजस्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम पढ़ेंगे। और किस तरह से डेज की लेंथ जो हैं वो शॉर्ट और लॉन्ग होने की वजह से, ड्यूरेशन चेंज होने की वजह से किस तरह से ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली प्लांट्स पर किस तरह से इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसके अंदर सबसे पहले देखें कि ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या चीज़ होती है। अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर हो, ऑप्टिमम पीएच हो या कुछ भी हो, ये वो लिमिट होती है जिस पर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी बेस्ट फंक्शनिंग शो करता है। लाइक अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात की जाए तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पर दिखाई गई है कि टेम्परेचर एट विच एनीथिंग परफॉर्म इट्स बेस्ट फंक्शनिंग इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो किसी भी चीज़ की वो लिमिट जिस पे वो अपनी बेस्ट फंक्शनिंग शो करता है उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम पीएच इस तरह करके उसको हम कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये आपकी जो कोर्स पैक है उसी का चैप्टर है, लाइट और टेम्परेचर से रिलेटेड होगा। इसके स्टार्टिंग में यहाँ पर इंट्रो दिया हुआ है, इसको आपने नहीं करना। और प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो डिफरेंट रिस्पॉन्सेज शो करते हैं टेम्परेचर और लाइट के अगेंस्ट। यहाँ पर ये जो पूरा ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है आपने नहीं करनी। इसके अलावा बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। बायोटिक होते हैं लिविंग फैक्टर्स और एबायोटिक होते हैं नॉन लिविंग फैक्टर्स। बायोटिक के अंदर क्योंकि वो लिविंग होते हैं तो एनिमल्स, प्लांट, ह्यूमन बींग्स सारी चीज़ें आ सकती हैं। और एबायोटिक क्योंकि नॉन लिविंग होते हैं तो उसके अंदर टेम्परेचर, लाइट, ये सारी चीज़ें, इसके सॉइल, ये सारी चीज़ें एबायोटिक के अंदर आ जाती हैं जो कि नॉन लिविंग होती हैं। सबसे पहले देखते हैं कि लाइट के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर। लाइट बेसिकली होती है तो कोई भी प्रोसेस अर्थ के ऊपर पॉसिबल होती है। लाइट सबसे पहले तो वीएन में हेल्प आउट करती है, जैसे डे टाइम होता है लाइट प्रेजेंट होती है तो डेफिनेटली वीएन में हेल्प आउट होता है। इसके अलावा लाइट एनर्जी जो है वो सन से आती है और आकर अर्थ को हीट अप करती है जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर टेम्परेचर मेंटेन रहता है और सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो अर्थ पे पॉसिबल हो सकती हैं। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। फोटोसिंथेसिस होगी तो प्लांट अपना फूड बनाएंगे और फिर हम वही और ह्यूमन बीइंग्स और बाकी के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं प्लांट्स को यूज़ करते हुए अपनी एनर्जी अटेन करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस में लाइट हेल्प आउट करती है। इसके अलावा लाइट सीजन्स के साथ, सीजन लाइट की ड्यूरेशन, डे लेंथ, जैसे गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, सर्दियों में छोटे होते हैं, तो डे लेंथ के ऊपर प्लांट्स की वैरायटीज चेंज होती हैं। सर्दियों में जो उगने वाले प्लांट हैं वो अलग होते हैं, गर्मियों में उगने वाले अलग होते हैं। तो लाइट की वजह से जो डे लेंथ में वेरिएशन आता है उसकी वजह से प्लांट्स और एनिमल्स के बिहेवियर चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल सर्दियां होती हैं, ठंडा मौसम होता है तो फ्रॉग वगैरह जो हैं वो हाइबरनेट कर जाते हैं। अक्सर ऑर्गेनिज्म जो है वो हाई टेम्परेचर की वजह से माइग्रेट कर जाते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ। तो इस तरह करके इसके अलावा सीजनल चेंजेस की वजह से प्लांट्स की जो है, जैसे ऑटम होता है मौसम तो पत्ते वगैरह गिरने लग जाते हैं और स्प्रिंग होता है तो फूल वगैरह उगने लग जाते हैं। तो इस तरह से सीजनल वेरिएशंस की वजह से भी ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर पर चेंज आता है। तो लाइट इन सब बिहेवियर्स को कंट्रोल करती है अपने होने की वजह से। लाइट की अमाउंट में अगर डिफरेंस आता है तो ह्यूमंस हों, एनिमल्स हों, प्लांट्स हों, सबके बिहेवियर के अंदर वेरिएशन जो है वो आने लग जाती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेसिकली एनर्जी की एक फॉर्म है। इसके अंदर आप पढ़ेंगे कि किस तरह से ये एनर्जी जो है वो इफेक्ट करती है। सनलाइट अर्थ तक आती है लेकिन डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर आती है।
और इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर आपने इसको कंप्लीट नहीं करना, जस्ट इतना करना है दैट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और इसके अलावा ये जब मूव करती है तो ये फोटॉन्स की फॉर्म में करती है, और फोटोन जो है उसके अंदर हर क्वांटा की एनर्जी जो है डिफरेंट होती है, और वेवलेंथ जो है वो वेरी करती है। और इसके अलावा वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है, इसके अलावा आपने ये करना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर डिफरेंट रेज प्रेजेंट होती हैं, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, विजिबल इंफ्रारेड रेज, तो ये सारी रेज के आपने नेम्स याद करने हैं। और जब अर्थ तक आती है तो डिफरेंट फॉर्म्स में ये आती है, अर्थ को स्ट्राइक करती है, कुछ वेव्स जो हैं वो अर्थ के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कुछ रेडिएट बैक हो जाते हैं, कुछ रेज ऐसी भी हैं जो अर्थ के साथ स्ट्राइक करने के बाद वापस एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो कि अर्थ के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं। अगर यहाँ पर एनर्जी की बात की जाए तो आपने एनर्जी का फॉर्मूला बताना है दैट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। ऊपर सिर्फ आपने वेव्स के नेम्स याद करने हैं, इसके अलावा आपने बताना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो एनर्जी की एक फॉर्म है और इसकी डुअल नेचर है, वेव और पार्टिकल। इसके अलावा ये फोटॉन्स की फॉर्म में मूव करती है, डेट्स इट, इतना सा आपने करना है। देन फॉर्मूला कर लेना है, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वी, मीन्स के ई क्या है, एनर्जी ऑफ वेव है, वी फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव है, और एच इसके अंदर कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्लैंक्स प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जैसे कि हर इक्वेशन के अंदर कोई ना कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, तो इसके अंदर जो कांस्टेंट यूज हुआ है वो है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो आपने जस्ट इनके नेम्स याद करने हैं, और ये प्लैंक्स कांस्टेंट की एक वैल्यू याद कर लेनी है, 6.6 × 10⁻³⁴ जाउल पर सेकेंड, जस्ट आपने इसकी ये वैल्यू याद कर लेनी है। और इसके अलावा वेवलेंथ के साथ इसका रिलेशन शो करना है कि यहाँ पर एनर्जी के साथ जो फ्रीक्वेंसी का बताया गया था वो ये बताया गया था कि एनर्जी बढ़ती है तो उसके साथ फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है, जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी ही तेज़ी से कोई वेव गुजरेगी, उतनी ही तेज़ उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। लेकिन वेवलेंथ का इससे रिवर्स है, जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उतनी ही वेवलेंथ शॉर्ट होती है। कोई वेव जितनी ज़्यादा किसी वेव की जितनी कम वेवलेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, उतनी ही उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। लेकिन जिसकी वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही उसकी फ्रीक्वेंसी और ऑटोमेटिकली एनर्जी भी कम होगी। तो वी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय लेमडा, तो ये जो है ये शो कर रहा है, सी जो है ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और नेक्स्ट इसकी वेवलेंथ की सिंबल शो की गई है। तो आपने जस्ट ये दो इसके अंदर आपने ये याद करनी है, इनकी इक्वेशंस जो है उसको याद करना है। नेक्स्ट यहाँ पे ब्लू और रेड लाइट का कंपैरिजन बताया गया है, तो ये आपको एमसीक्यूज में या फिर शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि ब्लू लाइट की एनर्जी ज्यादा है या फिर रेड लाइट की। तो ब्लू लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्ट होती है, और वेवलेंथ शॉर्ट होने की वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी हाई होती है, जैसे कि आपने ऊपर फॉर्मूला के अंदर देखा भी है कि जब किसी चीज की जो फ्रीक्वेंसी है, जब किसी चीज की वेवलेंथ जो है वो कम होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी और ऑटोमेटिकली उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, लेकिन जब किसी की वेवलेंथ ज्यादा होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी जो है वो कम होती है, क्योंकि इनका आपस में इन्वर्स रिलेशन है। तो इन द सेम वे ये बताया गया है कि ब्लू लाइट की वेवलेंथ जो है वो शॉर्ट होती है, और उसकी वेवलेंथ शॉर्ट होने की वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी हाई होती है। और इसके बरक्स अगर रेड लाइट की बात की जाए तो रेड लाइट की वेवलेंथ जो है वो ज्यादा होती है, हायर होती है, और वेवलेंथ हाई होने की वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी ऑटोमेटिकली लो होती है। नेक्स्ट अगर विजिबल लाइट की बात की जाए तो विजिबल लाइट के अंदर भी डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, और अगर साइंटिस्ट ने किसी एक पर्टिकुलर लाइट के ऊपर काम करना होता है तो स्पेशल फिल्टर्स यूज करते हैं, और किसी एक लाइट को जो है वो उसके ऊपर इन्फोर्समेंट करके एक लाइट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेके उसके जैसे फिल्टर लेके फिर उसके ऊपर काम किया जाता है, क्योंकि सब लाइट्स की जो वेवलेंथ है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है, वेवलेंथ वेरी करने की वजह से सबकी एनर्जी भी वेरी करती है।
देन यहाँ पर एक एमसीक्यूज है जो कि आपने यहाँ पर जस्ट एक एमसीक्यूज करना है, उसके नीचे वाला आपने छोड़ देना है कि रेडिएशन जो है वो जो फोटोबायोलॉजिकल फिनोमिना को इफेक्ट करती हैं उनकी जो लेंथ होती है वो 300 से 900 नैनोमीटर के सेंटर में होती है। इनके इसके सेंटर में कोई भी अगर रेडिएशन होगी तो वो ऑर्गेनिज्म के फोटोबायोलॉजिकल फिनोमिनाज को इफेक्ट करेगी। फोटोबायोलॉजिकल फिनोमिनाज वो फिनोमिनाज होते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइट रिलेटेड होते हैं, जो कि लाइट की वजह से या तो कोई अच्छा रिस्पॉन्स शो करते हैं या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट में चले जाते हैं। तो यहाँ पर जस्ट आपने एमसीक्यूज करना है, ऊपर आपने जस्ट रेड और लाइट का जो कंपैरिजन दिया गया है वो करना है, और यहाँ पर विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम के बारे में बताया गया है। इसके बाद ये आपने नीचे डायग्राम नहीं करनी। नेक्स्ट हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के नेम्स पढ़ेंगे, उनके बारे में एक एक दो दो लाइंस की डेफिनेशन करेंगे कि कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि सोलर एनर्जी को मेजर करने के लिए यूज होते हैं, लाइट इंटेंसिटी को मेजर करते हैं और लाइट ड्यूरेशन को मेजर करते हैं। तो नेक्स्ट अब हम इन इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है पाइरिनोमीटर। पाइरिनोमीटर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पर स्टार्टिंग से आप नहीं करेंगे, आपने इसको यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ से करना है। यहाँ पर आप खुद से लिखेंगे पाइरिनोमीटर और फिर इसको पाइरिनोमीटर से लेके यहाँ पर रेडिएशन तक करेंगे। जस्ट एक ही लाइन आपने करनी है कि पाइरिनोमीटर शॉर्ट वेवलेंथ की सनलाइट को मेजर करने के लिए यूज होता है। इसके अलावा इनडायरेक्ट और स्कैटर्ड लाइट को स्कैटर्ड जो स्काईलाइट रेडिएशंस होती हैं उनको मेजर करने के लिए यूज होता है। तो ये पाइरिनोमीटर का आप फंक्शन लिख देंगे। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़ा पाइरिनोमीटर, इसमें जस्ट आपने इतना ही करना है। देन नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ जो कि है रेडियोमीटर। रेडियोमीटर के अंदर भी जस्ट आपने फर्स्ट लाइन करनी है कि ये यूज होता है, रेडियोमीटर मेजर्स द फ्लक्स ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल वेवलेंथ्स रिसीव्ड ऑन अ सिंगल सरफेस ऑफ रिसीवर, कि एक ही रिसीवर के ऊपर उसकी सिंगल जगह पर एक जो रिसीवर जहां पर एक्सेप्ट होती है एनर्जी, उस एक जगह पर एनर्जी की कितनी वेवलेंथ जो है वो रिसीव होती हैं। पहले हमने जो इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था उसके अंदर शॉर्टर वेवलेंथ मैयर होती थी, लेकिन रेडियोमीटर के अंदर हर तरह की वेवलेंथ, हर साइज की वेवलेंथ जो है उसकी स्टडी की जा सकती है। तो जस्ट इसके अंदर आपने फर्स्ट लाइन करनी है और फ्लक्स का मतलब होता है रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो जितनी भी वेवलेंथ्स की एनर्जी जो है वो आएंगी सब के बारे में रेडियोमीटर हमें इंफॉर्मेशन दे देता है। इसमें भी जस्ट आपने फर्स्ट लाइन करनी है। उसके बाद आता है फोटोमीटर। फोटोमीटर की जस्ट आपने इतना करना है दैट इट इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, या लाइट इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए यूज होता है। डेट सेट, इन इंस्ट्रूमेंट्स के नेम्स याद करने हैं और एक एक लाइन जो आपको करवाई है आपने वो करनी है। और एक और सनशाइन रिकॉर्डर होता है जो कि लाइट की ड्यूरेशन को, सनशाइन की ड्यूरेशन को मेजर करता है। तो यहाँ पर ये भी आपने एक लाइन करनी है दैट सनशाइन रिकॉर्डर मेजर द ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन। तो यहाँ तक हो गए आपके ये इंस्ट्रूमेंट्स जो कि हमें लाइट के बारे में, लाइट की कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि लाइट की स्पेसिफिक वेवलेंथ के बारे में बताते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि हर वेवलेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, कुछ ऐसे हैं जो इंटेंसिटी के बारे में बताते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि ड्यूरेशन के बारे में बताते हैं। तो लाइट की हर क्वालिटी के बारे में हमने एक एक इंस्ट्रूमेंट का नाम जो है वो देख लिया है। तो इसमें आपने लाइट के बारे में जनरल सा इंट्रोडक्शन देना है, दो आपको इक्वेशंस बताई हैं वो आपने करनी है, और उसके अलावा ये जो इंस्ट्रूमेंट्स के नेम्स हैं ये आपने करने हैं।